मुझे सर ने आपके पास भेजा है ताकि मैं ले सकूं आपका नोटेशन। ओहो अच्छा, तो तुम कैसे लोगी नोटेशन? जैसे भी तुम देना चाहो, आई मीन नोटेशन। वो मैं तो मुंह से दूंगा नोटेशन, पर मैं तो हाथ में पकड़ के लूंगी। क्या वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी कंपनी लॉ मैन पेज 3 का एक ही मोटो है, एक्सीलेंस। हमारे जीन्स में जीन्स बनाने का हुनर है और इस हुनर को आगे बढ़ाने के लिए मेरा बेटा कन्हैया ले मेरा भरपूर साथ दे रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टाई योर सीट बेल्ट्स फॉर माय सन्स फैंटास्टिक न्यू वेंचर संस्कार रेंज ऑफ ट्रेडिशनल वेयर। ये फोटोग्राफ्स आप लोगों को साफ अंदाजा देंगी कि मार्केट में बैक डोर एंट्री कैसे मार सकते हैं। कल हमें एक जनाब मिले थे, मिस्टर पोपट, लॉन्ड्री का बिजनेस है उनका। पोपट भाई हमें एक खूबसूरत हसीना से मिलाने वाले हैं, उनके सामने अपना इम्प्रेशन माचो देने के लिए एक तरकीब है मेरे पास। देख छाप। पोपट, देख छाप। चला मालिक। ओह पोपट भाई, आइए आइए, आप ही का इंतजार था। कहाँ है लॉन्डी, दिखाइए। अरे छाप, आपके लिए मैं इतने दूध लाया हूँ कि दूध देखते आप दूध पर दूध पलोगे। क्या वलायती है, कच्चम से बोलता हूँ, लशन है, अमेरिकन है, इटालियन है, ऑल देसी भी है। अरे लेकिन पोपट भाई, आपने तो बताया था आपका लॉन्डी का बिजनेस है ना? हाँ, लॉन्डी का ही धंधा है, लेकिन लॉन्डी के धंधे में दूध के तात तलवार मिलता है, कुलता मिलता है, थाप मिलता है। आपकी फरमाई तूतों की थी, मैं तूत लाया। ये देखिए धोखेबाज, खामखा तूने मेरे सोए हुए अरमानों को जगा दिया, मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। अभी ठंडा में तेली दिमाग, थाला बुझा थलकी, बुझा थलकी। किसको बोला तेरी तो? घर में कोई नहीं है, जरा सी ऑयलिंग कर लेता हूँ ताकि वक्त आने पर ठीक से बजे। देसी पॉपकॉर्न, बॉलीवुड की हिट फिल्मों का हॉट वर्जन, कुछ नया लग रहा है। जाग रैम्बो जाग। देखा ना आपने डॉक्टर, रैम्बो जब देखो भागता ही रहता है और मैं जितनी भी कोशिश करूं ये जागता ही नहीं है। प्लीज कुछ कीजिए, अदरवाइज मेरी ये जवानी यूं ही बेकार हो जाएगी। रैम्बो जागेगा, ये मेरा वादा है। फॉर्मूला 36 24 36। जाग रैम्बो जाग। ओ नो, इसका एक ही इलाज है, नर्व फ्लोरा। यस डॉक्टर वागमारे। Come in, Nurse Laura. How can I help you? This man has type 2 low Parkinson's disease. Cure him. Give it to me. Is it hot enough for you? Push it. Give it to me. मैं जाग गया। रॉकी क्या किया तूने, नानी के बर्थडे पे तूने उनकी जान ले ली। रॉकी या ऑफ कोर्स। I think that's my seat over there. Yeah, yeah.
Excuse me, can I also have a pillow, please? Thank you. Welcome. Thailand, here we land. What's that? मैं तुम लोगों को तीन चीजें सिखाऊंगी. Entertainment, entertainment, entertainment. शोर मत करो, वरना पनिश कर दूंगी. Got the shot, moving on. Hey, Merrily. Hi, Mickey. Meet my friends Kanhaiya and Rocky. और ये है मेरी हीरोइन Merrily. आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई. आपने मेरा शॉट देखा? हाँ देखा ना, सुपर्ब शॉट. मजा आया. ये ऐसे क्यों बात कर रही है? नहीं नहीं डर मत, वो क्या है ना, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मेथड एक्ट्रेस, तीन साल से एक ही रोल कर रही है, तो कैरेक्टर में इतना घुस गई है कि यू नो बाहर आना बहुत मुश्किल है ना मेरे लिए. मैडम रेडी है? मैडम आए, ये देखो मेरा नया इंसाइक्लोपीडिया. एच फोर हार्डर, एफ फोर फास्टर, एल फोर लॉन्गर. फोकस फोकस फोकस. नहीं मैडम नहीं, तुमने तो डिक्शनरी के वर्ड्स की छुट्टी कर दी छुट्टी. आई लव इट. गलती तुम्हारी है, कहाँ से करी थी तुमने ऐसी बकवास डिक्शनरी? लगता है मैंने पहले ऐसे कहीं देखा है. गिव इट टू मी, पुश इट. नर्स लॉरा, मुझे नहीं पता था कि बड़े बड़े देशों में इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं. अरे डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन. शॉट दिया टार्जन. हाँ डार्लिंग, कैसी हो मेरी सक्कू? व्हाट अ हॉट शॉट. मीट माय फ्रेंड्स, ये कन्हैया और ये रॉकी. शकुंतला मतलब शकुंतला? नहीं नहीं, शकुंतला ही है वो, क्या है ना, जबान की साफ नहीं है ना. हाँ शो को सब बुलाती है, वैसे इसका नाम शक्कू है, खुद को सक्कू बोलती है. सक्को अच्छा है कि सर को फर नहीं बोलती. ये ठीक तो है ना? नहीं नहीं ठीक बिल्कुल नहीं है. जब मूड में आती है ना तो खुद को ऐसे खुजली करने लगती है. मैडम मूड में, मैडम का शॉट लो. गो 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 गो. कम देर, यहाँ ये सब हो क्या रहा है? यार बड़े छाए हो मेरे चिकनो. हाय. ये दोनों कौन है मिकी? ये दोनों मेरे बचपन के दोस्त हैं, कन्हैया और रॉकी. और गाइस ये है मेरे ब्रिलियंट एक्टर्स. ये दोनों कितने क्यूट हैं, स्पेशली ये वाला. आउट, हट. अबे ज्यादा छेड़ मत, फ्रेश माल है, अभी अभी इंपोर्ट किया है हमने. एक सेकंड एक सेकंड, कहीं तुम इन्हें हमें रिप्लेस करने तो नहीं ले आए हो? अरे मेरी ब्यूटी, तू रोती क्यों है? इसे थोड़ी रिप्लेस कर दूंगा, तुम लोगों के चिराग में तो अभी भी बहुत सारी लाइट है. वो तो है. अरे ये दोनों तो मेरिली और सक्कू की जिंदगी में अपनी मोमबत्ती से रोशनी भरने आए हैं. मोमबत्ती? तूने सोच भी कैसे लिया कि हम ऐसी गंदी बात के लिए राजी हो जाएंगे? अरे मैंने सोचा अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करूंगा गंदी बात. तुझे शर्म नहीं आती? तू बीपी बनाता है? अरे बीपी नहीं, डीपी. डीपी? हाँ, डर्टी पिक्चर. मुझे एक बात बता, तू हमसे ये काम क्यों करवाना चाहता है? हम में ऐसी क्या खास बात है? अरे डार्लिंग, तुम दोनों में वो है, एक्स फैक्टर. नहीं, मैक्स फैक्टर. तुम लोग वो दिन भूल सकते हो, लेकिन वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता. याद है मेरे बर्थडे की पूल पार्टी? अरे ये कौवा पानी में कैसे खड़ा है? Woo-hoo!
भगवान किसी को बड़ा दिल देता है, कभी किसी को भगवान बड़ा दिमाग देता है, लेकिन अपना दिमाग लगाकर अपने दिल से पूछो कि भगवान ने तुम्हें क्या दिया है। तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं गंदी फिल्में बनाता हूँ, यहाँ पे लड़के लड़कियों को नंगा करता हूँ, लेकिन उसी कमाए हुए पैसों से मैं सोमालिया के नंगे बच्चों का तन भी ढकता हूँ। तुम लोगों को ना मेरे वो गलत वाले जॉब्स नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जॉब नजर नहीं आ रहे जो मैं आए दिन यहाँ गरीब हिंदुस्तानियों को बैंकॉक में देता हूँ। तुम लोगों को ना मेरे बारे में जो सोचना है सोचो, लेकिन मेरी नजर में मैं पौन का नहीं, पुण्य का काम करता हूँ। He's right. और ऐसे भी कन्हैया, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम वापस घर नहीं जा सकते। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें ये कर लेना चाहिए। हम दोनों के पास ऊपर वाले का दिया हुआ स्पेशल टैलेंट है, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। Call a short one, take one. Action! अरे, मैं अपना तांगा खुद चला चला के थक गई हूँ बन्नो। सोचा था चीरू चलाएगा, लेकिन वो मुझे छोड़कर लंबू के साथ भाग गया। क्योंकि सोचने वाली बात ये है कि पहले उनकी सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन अब दोस्ताना हो गया है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं बन्नो? कसंते, तुम कहो तो तुम्हारे तांगे की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूँ। कैसे फाकुर साहब, आपके पास तो हाथ ही नहीं है। अबे ये क्या मेरे मुंह में कहाँ डाल रहा है वादे? चप्पल। पचास पचास कोस दूर जब गांव में होली होती है तो माँ कहती है सो जा बेटी सो जा, वरना अपनी पिचकारी लेकर चब्बर आ जाएगा। यूकी, कब है होली? होली कब है? अरे ओ घसंती, कितने आदमी थे? नहीं मालूम, 50 के ऊपर की गिनती मुझे नहीं आती। घसंती, इस कुत्ते के साथ होली मत खेलना। ठीक है फाकुर, घसंती के लिए टॉस करते हैं। नहीं। ये ले, नहीं। कर टॉस। नहीं। कर? नहीं। 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 फाकुर साहब, आपके हाथ और हाथों में बंदूक। यस। होली कब है? कब है होली? अब है होली। गुड, फैंटास्टिक, बैकअप, एक्शन। अबे सालों गधों, अबे मेरे पे नहीं उन दोनों पे डालो बे। मैं डालूं? अरे नहीं बाबा, तू कुछ मत डाल, तू वहां जाके खड़ा रहे। अबे टकले, कहां से लाए इन लोगों को? हट, चलो वन मोर एक्शन। भवन उठे दर सिंह रूठे, जब खबर उठे के होवे बिंगम बिंगम। अबे टकले येड़े, अबे टकले जूम मार। Who are you? जिसका सबसे बड़ा चिंगम, वो फक्त, वो फक्त, वो फक्त, दाजीराव पिंगम। बिनमिनकर। इसका सीक्वल, पिंगम रिटर्न्स, रिटर्न्स, रिटर्न्स। हेलो सर, टू आइसक्रीम्स प्लीज। कापा कोन, कोन्स प्लीज। थैंक यू सर। रब की कमाली है इश्क को, दिल की दीवानी है इश्क को, महके से प्यारी है इश्क को, ये सुबह की लाली है इश्क को। पहले आइसक्रीम खा ले, फिर उसको खा ले, मतलब देख ले, ये ले। अबे क्या यार। अच्छा सुन, मैं बाथरूम जाके आ रहा हूँ। सुन ना, कहीं जाना मत, इधर ही रुकना, घूम मत जाना। हाँ, ठीक है, बाथरूम जाके आ रहा हूँ। जा। Thank you.
पैंट में चूहा घुस गया है। चूहा? तेरे पैंट में? अबे साले तू हंस क्या रहा है? पता नहीं कहाँ चली गई रॉकी। मुझे ना लव एट फर्स्ट साइट हो गया। किससे? चूहे से? नहीं, उस लड़की से। ओ, लेकिन पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। यही सोच रही होगी कि तुझे बच्चों जैसे खेलने में मजा आता है। और क्या पता अगर उसे भी बच्चों से खेलने में मजा आता हो तो यूं समझ ले कि तुझे अपना सच्चा प्यार मिल गया। शट अप। तू यू रेटेड लव स्टोरी को ए रेटेड बनाने पे क्यों तुला है? हर लड़की सेक्स ऑब्जेक्ट नहीं होती। मेरा भी एक सपना है कि मेरी एक परफेक्ट वाइफ हो जिसके साथ मैं अपना घर बसा सकूं। परफेक्ट वाइफ? हाँ। और वो भी बैंकॉक में? हाँ, मिलेगी, चल ढूंढते। लेकिन उसके पहले ना शूटिंग पे चलते, मिकी हमारा वेट कर रहा है। हाँ? चल, 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 चल। सच्चा प्यार हो गया। एक मिलन, सेनवान, शतवान, तेकवान। जब तक हम किसी के हम दर्द नहीं बनते, तब तक दर्द हमसे और हम दर्द से जुदा नहीं होते। मुझे वो मीठा दर्द देने आ जाओ गुरु। आ रहा हूँ, बस तेरी गलियों में ही हूँ। लिफ्ट, 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 लिफ्ट। तुम कौन हो? कौन है आयशा? वो जो भी है मेरे बगैर शुरू मत करना। अच्छा, जल्दी आ जाओ तुम। लिफ्ट, 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 लिफ्ट। वाओ, स्क्रू ड्राइवर। फिकर मत कीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ए विलन, तो फिर हो जाए मिलन। कट! फैंटास्टिक! I'm so sorry. उस लड़की पर नहीं गिरे, फिर भी तुम्हें थप्पड़ खाना पड़ा। वो मेरी किस्मत ही ऐसी है। आ। उस दिन आइसक्रीम खाते खाते एक चूहा मेरे पैंट में घुस गया था, लेकिन जब तक मैंने उसे निकाला तुम जा चुकी थी। I'm so sorry. फिर लिफ्ट में भी गलतफहमी हुई। I'm really, really sorry. मैंने तुम्हें शक्ति कपूर समझा, लेकिन तुम तुषार कपूर निकले। It's okay, it's okay. वो मेरे डैड को भी सब शक्ति कपूर ही समझते हैं। Hi, I'm Shalu. So, how can I make up with you? You can make out with me. What? I mean, you can go out with me. Oh. Coffee or dinner, जिससे भी भरे तुम्हारा पेट. Can we go on a date? नेक काम में नहीं करते लेट. Of course, I'll go on a date. Senwan, Shatwan, Tikwan. Action! अरे I'm nervous यार।
फोकस फोकस कम ऑन कुछ कर 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 फोकस 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 मुझे भी सडनली परफॉर्मेंस प्रेशर हो रही है एक काम कर ये ले ये क्या है स्टे ऑन हाँ इसे लेके यू विल स्टे ऑन एंड ऑन एंड ऑन वाओ लुसेरा का डायमंड लुसेरा के डायमंड तो बहुत बड़े होते हैं और तुमने कहा था कि तुम्हारी फैमिली बहुत रईस है तो फिर इतना छोटा डायमंड क्यों मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी कि बेटा जो लड़की छोटी चीज में ही खुश हो जाए वो बाद में बड़ी चीजों को देखकर और खुश हो जाती है छोटी हो या बड़ी मुझे तुम्हारी हर चीज चाहिए ऑफ कोर्स आई विल मैरी यू हेलो कर चाहते हैं अंकल आप चाय बिस्किट कुछ लेंगे नहीं मेरे लिए स्टॉप तुम्हें मेरे होने वाले ससुर को सिर्फ चाय ऑफर करनी है और कुछ नहीं और ये टांग उठाकर तो बिल्कुल नहीं देखो सकू हाँ। आज से मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ छोटा भाई बिहेव योरसेल्फ कर जाते हैं परिवार के सामने तुम्हें मेरी बहन की एक्टिंग करनी है ओके बहन ओके चलो 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 अब जाओ और थोड़े कपड़े पहन कर आओ और कपड़े नाउ सकू प्लीज गो नाउ प्लीज चलो 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 जाओ 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 ये क्या पहना है सारी क्यों अच्छी नहीं लग रही क्या ये कैसे पहना है फूलों का तारों का सबका कहना है इतना सारा कपड़ा मैंने कभी नहीं पहना है हाँ ठीक है लेकिन जो भी पहना है जरा ढंग से पहनकर आ जाओ ओके नाउ गो 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 अरे ऐसे नहीं ठीक से पहनो ऐसे ठीक से मेरे होने वाले ससुर के सामने अपने पल्लुओं को संभाल के रखो ओके हाँ ओके और हाँ एक बार और अपना नाम दोहराओ सुशील संस्कार साक्षी सुंदर अब याद रखना भूलना मत ये मिकी कहाँ मर गया लगता है आ गया ऑल द बेस्ट नमस्ते आइए आइए नमस्ते कन्हैया ये मेरे बाऊजी हैं और इनकी तारीफ चालू का फादर नहीं नहीं मैं आपके पोपट की बात कर रहा हूँ ओहो अरे पोपट की बात कर रहे हो तो पोपट को देखकर करो मुझे देखकर क्यों कर रहे हो बाबूजी कन्हैया का एक प्रॉब्लम है जब भी ये लाल रंग देखता है इसकी आंखें लुकिंग चाइना टॉकिंग टोक्यो हो जाती हैं कन्हैया फोकस 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 तुम्हारी बाकी की फैमिली कहाँ है वो बाद में आएंगे ओके ओके आइए अब आइए ना अंदर आइए बैठिए ना नहीं वो मुझसे नहीं होगा मैं बैठ नहीं सकता क्यों बाऊजी को एक बीमारी है उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज होने के कारण वो ना ही बैठ सकते हैं ना ही लेट सकते हैं इसलिए मैं हमेशा खड़ा ही रहता हूँ और मेरे साथ मेरा पोपट भी हमेशा खड़ा रहता है ना प्रेम 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 नाम है इसका प्रेम कर जाता वैसे आपका पोपट काफी बड़ा है हाँ बचपन में मैं छोटा था तो ये भी छोटा था जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा पोपट बड़ा होता गया और मुझसे ज्यादा मेरी स्वर्गवासी पत्नी को मेरे प्रेम से बेहद प्यार था तो ये है तुम्हारी फैमिली हाँ, ये मेरी बहन संस्कार है नमस्ते और ये इनके पति सुशील वाह संस्कार सुशील बहुत ही सुंदर नाम है संस्कृति से भरे हुए वैसे तुम क्या करती हो संस्कार जी मैं देती हूँ क्या देती हो गरीब बच्चों को एजुकेशन विधवा माओं को इंस्पिरेशन हाउ नाइस और कुवारे मर्दों को पेशन हाँ
इनके पति का बेसन का बिजनेस है। बेसन के लड्डू, बेसन का आटा, बेसन का हलवा, हर किस्म के बेसन में ये मास्टर है। ओह अच्छा, मुझे भी बेसन बहुत पसंद है। कभी कभी आपके बेसन का मजा हमें भी उठाने दीजिएगा। ऑफ कोर्स, आपका जब भी मन हो मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर दूंगी। इनकी सांस क्यों फूल रही है? आस्थमा। कभी कभी मेरी बीवी को आस्थमा का अटैक आता है। कन्हैया, ये इस तरह खुजा क्यों रही है? वही मेरी दूसरी बहन सक्कू, आई मीन साक्षी है, और कभी कभी इन्हें एलर्जी हो जाती है, इसीलिए खुजाने लगती है। अच्छा। हाँ, आप इनकी फिक्र मत कीजिए, ये ठीक हो जाएगी। और ये नौजवान कौन है? ये इनके पति सुंदर है। नमस्ते। अच्छा, कहीं उनका भी ये आपके पहले जीजू की तरह बेसन का बिजनेस तो नहीं? हाँ जी, आपने सही पहचाना, हम दोनों फैमिली बिजनेस में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। वाह वाह वाह, I love the family that works together, eats together, and sleeps together. प्रेम, प्रेम चिंता मत करो, वो सिर्फ हंस रहे हैं। ये मिकी कहाँ मर गया? कौन मर गया? नहीं नहीं, मेरा मतलब है आपसे मिलकर मेरा मन भर गया। मेरा भी मन भर गया बेटा, लेकिन तुम्हारे माता पिता कहीं नजर नहीं आ रहे। वो बेटा मैं आ गया। आ गया? जैके डैडी। आप? बाप, कन्हैया'स फादर। ओ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा? मेरे पोपट को भी बहुत खुशी हुई। वाओ, काफी बड़ा पोपट है आपका। अरे नहीं नहीं बेटी डार्लिंग, तुम यहाँ आओ, इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था मैं। काफी सॉफ्ट है यार। डैडी, डैडी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? साले अपने होने वाली भाभी पे चांस मत मार, और तू दो मिनट लेट आता तो मेरे अंतिम संस्कार में पहुँच जाता। वाह वाह वाह, सुंदर, अति सुंदर। देखा ये बाप बेटे का प्यार कैसे उछल उछल के बाहर आ रहा है। दोनों कैसे प्यार से खुसुर पुसुर कर रहे हैं। इसे कहते हैं संस्कार। जी, आपने मुझे बुलाया? नहीं नहीं नहीं, बहना नहीं, ये तुम्हारी नहीं, इन जनरल संस्कारों की बात कर रहे थे। वैसे लेकिन कन्हैया, तुम्हारी माता जी अभी तक नजर नहीं आई। माता जी? माता जी, माता जी, माता जी कहाँ है पता नहीं। वो एक लंबी कहानी है। लंबी है, बहुत लंबी है। बेटा, मैं आ गया। What? रॉकी? रॉके रॉके। रॉके रॉके। कहीं गाड़ी निकल भाग चलती है। आप कौन है? मैं कन्हैया का फादर हूँ। डैडी, आप भी फादर, ये भी फादर, इतने सारे फादर। मैं वो फादर हूँ जिसने इसे जन्म दिया, और ये वो फादर है जिसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा। इसीलिए कन्हैया हम दोनों को पिता मानता है। अरे सिर्फ हमें ही क्यों, बल्कि दुनिया के सारे मर्दों को ये पिता समान मानता है। डैडी, वाह, कितने उच्च विचार है आपके पुत्र के। अगर हर इंसान इस तरह सोचता रहा तो सारी दुनिया भाई बहनों की तरह रहेगी। लेकिन एक बात बताइए, संस्कार और कन्हैया तो भाई बहन लगते हैं, लेकिन आपकी ये सुपुत्री अलग नहीं लगती? ये तो इसे तो हमने बचपन में ही गोद ले लिया था। Who's my daddy? बच्चे, आखिर बच्चे ही रहेंगे। आप जरा आराम कर लीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या? आप थक गए होंगे लॉन्ग जर्नी से। साक्षी, जाओ तो मैंने बेडरूम दिखाओ। बेडरूम? Anytime. It's my favorite place. Actually, तुम कुछ मत दिखाना, लगता है फिर से दौरा पड़ गया। एक काम करते हैं,
जीजू तुम्हें ले ले जाओ। हाँ चलिए चलिए। जी बिल्कुल, आइए मैं आपको आपका बेडरूम दिखा देता हूँ। ये पगली गंदी एक्ट्रेस कैरेक्टर से बाहर जा रही है। अबे याया क्या बाथरूम में बंद करो इसे। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है निकी? और तू यहाँ कहाँ से आ गया? अबे तेरा दोस्त हूँ मैं, तुझे लटकता कैसे छोड़ देता। अब कौन आया है? मैं जाके देखता हूँ। अंदर क्यों जा रहे हैं? अरे आप हैं कौन? ये कौन सी भाषा बोल रही है? देखिए बहन जी, लगता है आप गलत पिक्चर में घुस गई हैं। यहाँ वैसे ही सब गोलमाल है। मैं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ। मैं सिंदूर बुआ हूँ, करजातिया जी की विधवा गूंगी बहन। ओ नमस्ते नमस्ते। अगर अंधी भी होती तो ब्लैक टू में रानी मुखर्जी का रोल भी कर सकती। एक तुस्की एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। ओ बाबूराव एक मिनट सुनो, ये आप लोगों का जो उइयापा है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं मेरा मतलब, आप पहले उआ उआ करती हैं, फिर ये कुत्ता भौंकता है। ए, कुत्ता नहीं, इसका नाम सक्रू है। सक्रू? अरे वाह, फिर तो अपने बहुत कम आएगा। एनीवेज सक्रू साहब भौंकते हैं, फिर आप भौंकते बोलते हैं, ये थ्रीसम का क्या चक्कर है? वो क्या है ना, सिंदूर बुआ की बात ये सक्रू समझता है और सक्रू की बात मैं समझता हूँ। वैसे ये खलनायकों में एक ही नायक है, कौन है ये? अब आप ऊपर क्यों नहीं जाती? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अपने भाई के बगल के कमरे में। जीजू और बहना आप इन्हें अंदर ले जाओ। नमस्ते जी, आइए आइए। अरे सारा दिन ऐसे सपने देखता रहेगा ना तो तेरा अमीर बनने का सपना एक दिन पानी में घुस जाएगा। अबे साले मतलब क्या तेरा? अरे मतलब ये है कि नए डीपी के चक्कर में क्लाइंट ने मेरा बीपी हाई कर रखा है। अरे इसको समझाना, मेरा वो धंधा है जिसमें रोज खड़ा होता नया बंदा है। अरे और इस काम के लिए वैसे भी मुझे सिर्फ दो चीजों की जरूरत है यार, एक कैमरा और कमरा, वेरी सिंपल। एक मिनट, ये सारे कंफ्यूजन में तू फिल्म कैसे शूट करेगा? अरे टेंशन मत लो, ऐसी खुफिया शूटिंग करूंगा कि किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा। कलीम, एक अदनासी कली हिंदुस्तान की मलिका कभी भी नहीं बन सकती। चंपा कली कोई मामूली कली नहीं, कच्ची कली है। गोरी गोरी पान फुला सर की छान। अगर आप इसे अपना शाही टुकड़ा दे। अगर ऐसी बात है तो हम इस कली को दीवार में चिनवाएंगे नहीं, जन्नत में ले जाएंगे। Come on, baby. आपका शाही टुकड़ा देख के हमें डर लग रहा है, जहाँ पनाह। जब प्यार किया तो डरना क्या? कट 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 कट। सीक्रेट कोड क्या है? क्या देख? कन्हैया तू यहाँ? तुम लोग यहाँ मुगले आजम शूट कर रहे हो और वहाँ डाइनिंग टेबल पर बाबूजी मुगलाई खाना खाने के लिए रुके हैं। अरे पांच मिनट रुक जा, सिर्फ क्लाइमेक्स बाकी है। जल्दी कर, तू जल्दी कर। रुक, सीक्रेट कोड क्या है? अरे अपनी सक्कू होगी, सक्कू ऐसी आवाजें वही निकलती है। चल उसको जल्दी अंदर ले। अबे वो गुंगी बेरी बुआ बाहर खड़ी है। आई होप उसने कुछ देखा नहीं हो, अगर देखा होगा तो शौक से अंधी भी हो जाएगी। तुम लोग सब छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ। हे रॉकी, ये सब क्या चल रहा है? एक्चुअली बैंकॉक का जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हम एक प्ले कर रहे हैं, पवित्र रिश्ते, उसकी रिहर्सल कर रहे थे। लेकिन ये लड़की इनके आगे झुककर क्या कर रही थी? वो एक्चुअली खाने से पहले अपने पिता के चरण धो रही है। खाने के पहले तो हाथ धोते, चरण कौन धोता है? हमारे खानदान में खाने से पहले सब कुछ धोते हैं।
क्यों? क्योंकि हम खाने से पहले हाथ जोड़कर ईश्वर को थैंक यू कहते हैं, क्योंकि ईश्वर को स्वच्छ मन और स्वच्छ तन से याद किया जाता है, है ना? हे ऊपर वाले संभाले। राधा के बिना शाम आधा कहते राधे श्याम, बोलो राधे 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 बोलो राधे, राधा के बिना शाम आधा आधा आधा। यहाँ थाईलैंड में रहकर भी आप सब आपकी सभ्यता, आपकी परंपरा, आपके संस्कार को नहीं भूले, ये देखकर मन अति प्रसन्न हुआ है। क्यों ना हम सब कल पिकनिक पे चलें, ताकि एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह से जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। एक और बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी प्यारी बहन सिंदूर, जिसने अपनी सुहागरात पे ही अपना पति और अपनी आवाज दोनों को खो दिया, जिसके चेहरे पर मैंने सदा मायूसी ही देखी, जिसकी आंखों में मैंने हमेशा आंसू ही देखे, उसके चेहरे पर आज इतने सालों के बाद मैं मुस्कुराहट देख रहा हूं। खुशी तो दूर, वो खुशी खुशी यहाँ हमारे सबके साथ। मैं आपके लिए और कन्हैया की माँ के लिए खीर निकाल कर लाता हूँ। क्या? नहीं, मेरा मतलब है मैं आप सबके लिए खीर निकाल के ले आता हूँ। हेलो सर। ये बाबा जी की बूटी कन्हैया के बाबूजी और उसकी मासी की टूटी फूटी मोहब्बत को फिर से टूटी फ्रूटी बना देगी। खीर आ गई है, सबको खिलाओ। ये आपके लिए। थैंक यू। ये आपके लिए बहुत बढ़िया खीर है। हो क्या गया? थक ही नहीं रहे हो? प्लान सक्सेसफुल। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखता हूं। बिल्डिंग के नीचे छुप जा। बिल्डिंग मतलब बेड के नीचे छुप जा, छुप जा, जल्दी करो, छुप जा। मेरी मूंछ खा, मेरी मूंछ खा, मेरी मूंछ खा।
इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? खुद मैसेज करके पूछते हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैंने मैसेज किया? Naughty boy. Let's have fun. पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो. ये तो कन्हैया की आवाज है. तुम यहाँ क्या कर रही हो? कन्हैया दरवाजा खोलो. बाबूजी. कन्हैया सब कुछ ठीक तो है? मैंने हाँ बाबूजी. चिल्लाने की आवाज सुनी. नहीं बाबूजी कोई टेंशन नहीं, जाइए ना, सो जाइए, देर हो गई है. हाँ. मैं भी सो जाऊंगा. हाँ. हाँ. ओके. अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज. चलो प्रेम. तुम मेरे पीछे पीछे क्या घूम रहे हो? मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ इस सकरू के साथ. ओह गुड नाइट. भाई बाबूजी फिर से आ जाएंगे, अब चुप जाओ चुप जाओ चुप चुप जाओ. अबे तू इस वक्त मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहा है? अबे तेरी मासी ने मुझे क्या हुआ? अबे तेरी मासी मेरे कमरे में है, मुझे तेरा बाप बनाने पे तुली हुई है. 10 मिनट और रुकता ना तो 9 महीने बाद हमारी औलाद तुझे भैया बुलाती. कुत्ते तूने उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? अबे कुछ करना होता तो क्या मैं यहाँ होता? चल दिखा दो. बाबूजी, अपने पापा के साथ यहाँ आ रहे हैं। अरे बैगन कहाँ से आ गया? मजे मजे लेगा, इसको लेके जाओ. लाइट्स ऑफ बैकअप. ये बिजली कैसे चली गई? कमाल, इतना शोर था, इतनी रोशनी थी, यकायक ये क्या हो गया? देखा? चल चल. बड़े अच्छे लोग हैं, खानदानी, सुशील, संस्कारी, है ना बुआ? इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बाथरूम ढूंढ रहा था, मुझे स्नान करना पड़ेगा. अपनी मासी को ऐसी उल्टी सीधी हरकत करते देखकर मुझे उल्टी आ रही है. इसमें जरूर करजाते का हाथ है, वरना मेरी मासी ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करती. अरे किसी भी तरह करजाते को रोकना होगा, वरना रोज रोज आंटी मेरी घंटी बजाने पहुंच जाएगी. उस बुड्ढे को समझाना होगा कि वो कितने भी पापड़ बेल ले, तेरी मासी दोबारा मेरे लिए पापड़ नहीं सेकने वाली. वो कैसे? उसे ये बोल के कि हाथ में पकड़ के बेलन, मेरे किचन में ऑलरेडी है दूसरी विद्या बालन. दूसरी विद्या बालन? मैं समझा नहीं. मतलब मेरी झूठ मूठ की गर्लफ्रेंड. झूठ मूठ की गर्लफ्रेंड? हाँ, मतलब तेरी झूठ मूठ की होने वाली दूसरी सौतेली माँ. अब देख तेरी फैमिली की क्लीन पिक्चर को कैसे बनाता हूं मैं डर्टी पिक्चर. ऑफ कोर्स डार्लिंग, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूं. And I love you too. Yes, yes, don't worry. I miss you too. अच्छा लड़की मुझे जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ. Love. ये किससे बातें हो रही थी? लगता है मुझसे कुछ छुपा रहे हैं. आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे छुपा ही रहा था. लेकिन क्या करें,
प्यार चीज ही ऐसी होती है, नाक छुपाओ और छुपते ही नहीं। मैं समझा नहीं। ये मेरी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड? मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और बहुत शादी करने वाला हूँ, इसलिए आपसे गुजारिश थी क्या आप प्लीज मुझे और कन्हैया की मासी को, मतलब मेरी पहली बीवी को, एक साथ जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं। प्रेम? एक और माता? पता नहीं कन्हैया इतनी सारी माताओं को हैंडल कैसे कर पाएगा। वेल ठीक है, मैं आपकी इस नई जीवन संगिनी को मिलना चाहूंगा। क्या आप उसे मिलकर क्या करेंगे? क्या करूंगा? अरे तसल्ली, जो औरत मेरी शालू की सौतेली सासू मां बनने जा रही है, उसका रहन सहन, उसका चाल ढाल, उसका चरित्र कैसा है, वो तो जानना पड़ेगा ना। पर उसके चरित्र से आपको क्या लेना देना? लेना देना क्यों नहीं, मैं आपके बेटे को मेरी बेटी खुशी खुशी देना चाहता हूँ। समझे जी, आप एक काम कीजिए, हम सब जा रहे हैं पिकनिक पे, आप भी आपकी नई गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ पहुँच जाइए अगले एक घंटे में। एक घंटे में? एक घंटे में? अबे रॉकी कैसे होगा यार? रॉकी अब एक घंटे में अगर तूने मेरे होने वाले ससुर को मेरी होने वाली सौतेली माँ से नहीं मिलवाया तो घंटा मेरा ससुर मुझे अपनी बेटी देगा। यार अगर तेरे दो दो नकली बाप आ सकते हैं तो क्या एक नकली सौतेली माँ नहीं आ सकती? माँ की नियत मेरे को ठीक नहीं लग रही, लगता है ले दे के ही छोड़ेगी। तूने किसी को कुछ बताया तो नहीं ना? क्या बोलती है ये? मैं कल रात आपका कमरा ढूंढ रही थी। क्या क्या? ये क्या कर रही है ये? मुझे आपके साथ जेट स्की राइड पे जाना है। अबे कौन जाएगा तेरे साथ जेट स्की राइड में? अरे मुझे नहीं। हा? ऐसा ये कह रही है। हा? और तुम सिंदूर बुआ की बात टाल नहीं सकते। अरे आपको कौन मना कर सकता है? Come on, I'll take you. घर जाते जी, देखिए मैं अपनी विद्या को ले आया। फोकस 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 फोकस। बाऊजी, आप बिल्कुल 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 क्या? बिल्कुल मेरी मेरी शालू की माँ पर गई है। क्या क्या? हाँ, आपको देखकर मुझे और मेरे पोपट को दोनों को शालू की माँ की याद आ गई। नॉटी। अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। देखिए उसकी तस्वीर, ये देखिए। अब ये कौन सा नया ट्विस्ट है? तू तो बिल्कुल बुड्ढे की मरी हुई आइटम जैसा लग रहा है। आपको देखकर ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शहर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन। 1942 a love story? नहीं, 1972 a love story, जब मैंने शालू की माँ को पहली बार देखा था, और आज लग रहा है कि वक्त ने फिर से पलटी मारी है। मुझे लगता है हमें अब गलती मारनी चाहिए। आप ठीक तो है ना? भगवान कैसे कैसे खेल खेलता है। आपको देखकर मुझे सचमुच अपनी माँ की याद आ गई। बाऊजी, ये कन्हैया कहाँ चला गया? मैं देखकर आती हूँ। चलो बेबी। I mean, बेटे बेटे, मुझे मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। विद्या, जाने से याद आया, तुम्हें कहीं जाना था, पार्लर में अपॉइंटमेंट है ना? ऑफ कोर्स। अभी न जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। आपको आज तो मेरे साथ करके ही जाना होगा। क्या क्या? लंच? नॉटी। ललिता, आओ। मेरा नाम है पीके लेले। नाइस टू मीट यू। ये खूबसूरत बला कौन है? ये विद्या है, मेरी गर्लफ्रेंड। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। वैसे आपको देख के ऐसे लगता है कि मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है।
लाइन मारने की बहुत पुरानी लाइन है लेकिन आज भी चलती है। आप इनकी बातों पे मत जाइए, खो देंगी पहाड़ तो निकलेगा चूहा। और तुम्हें खो देंगे तो क्या शेर निकलेगा? अब रहने भी दीजिए करजाते जी, वैसे भी मुझे सच में जाना है, मेरा घर बहुत दूर है, पहुँचते पहुँचते 3 घंटे लग जाएंगे। वैसे ये हमारा बेटा कन्हैया कहीं दिख नहीं रहा है। उसके आने तक हम विद्या जी को नहीं छोड़ सकते। मेरे होते हुए कैसे आ सकता है? क्या आई मीन मेरा मतलब है मेरे होते हुए वो कैसे आएगा? मैंने तो उसे पास के मॉल में भेजा है दवाई लेने, मेरे पेट के लिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा है तो हम सब मॉल जाएंगे, उसे ढूंढेंगे, लंच करेंगे और फिर घर जाएंगे। चाहिए विद्या जी आप चाहिए।